मेरा कॉलर था, चलिए हेड चला। आज जीता कैसे आई किनो ब्रो बोल ना। तो सालिम टॉस में जीता है, सालिम का टेल आ गया, हेड आया मेरा। अभी सोच रहा है क्या लेगा, बैटिंग ना बॉलिंग, बॉलिंग बॉलिंग। सो हम लोग का बैटिंग है, चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टार्टेड। सो फिलहाल अभी हम लोग का टीम का बैटिंग आ गया है, तो हम लोग जा रहे हैं बैटिंग करने। आप लोग चैनल के साथ बने रहेगा, देखते रहेगा सोम जोशी प्लस एसपीएल। और तो हम लोग सेकंड क्वालिफाई का इस मैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ अंपायर रेडी है, फील्डर रेडी है, सब रेडी है, बस अब कुछ देर में ही स्टार्ट होंगे ये लोग प्लेयर फील्डिंग से जा ले। और भाले की खेल अभी बहुत इंटरेस्टेड हो रहा, मज़ेदार हो रहा है, खेला में बड़ा ही मज़ा आ रहा है खेला में। और एक टीम जो है हम लोग फाइनल उठ चुके हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल खेलेंगे। और यहाँ भी ये लोग भी काफ़ी अच्छा खेल रहे, बड़े बड़े छक्का मार रहा है, शानदार बैटिंग स्टाइल है भाई यहाँ का। हर बच्चा लोग भी अच्छा ही बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग भी अच्छा कर रहा है। टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर खेल के आ जाता है, जो मतलब हल्का भी टैलेंट हो वो भी आ ही जाता है, टैलेंट दिखाई देता है, सब अपना अपना टैलेंट। और यहाँ पे बॉलर रेडी है बॉलिंग करने के लिए, बैट्समैन भी रेडी है ना। अंपायर क्या बोल रहा है, अंपायर वाइड क्या है सारा दिखाते हुए। क्वालिफाई का फर्स्ट बॉलिंग, ओह बैट्समैन ये मिस कर रहा है। बैटिंग लाइन थोड़ा सा ये लोग का वीक है, जो जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, फिर भी 80-90 का टारगेट दे ही दे रहे हैं चार पांच ओवर में। यार ये कैच, ये फर्स्ट विकेट, वो बैट्समैन डक आउट होते हुए। ईसा भाई जो कि हमारे एडू स्वास्थ्य मिशन का मतलब टीम ने मेंबर है, प्लेयर है, मेंबर भी बोल सकते हैं। हाँ तो ये अभी अब कमेंट्री करेंगे और वीडियो करेंगे। थैंक यू, तो प्लीज़ आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू। बॉलर यहाँ लेफ्ट हैंड, ओ यार ये बॉल बड़ा उछल गया है, ये बड़ा सुंदर शॉट है छक्का यार। ऑफ साइड में ये बैट्समैन बड़ा अच्छा खेला है, दर्शक दिया सब प्लेयर वगैरह रन है। और कप में ये जो खेला हो रहा, बस ये जो इसका विनिंग प्राइज वगैरह होगा ये सब डोनेट होगा गरीब बच्चों लोग में। ये हमारे चैनल के जो ऑनर है इसने तय किया कि ये खेला का जो भी फंड वगैरह आएगा सब डोनेट होने वाला है। ओह बॉलिंग भी अच्छा है, गजब का बॉलिंग, यहाँ बॉल अच्छा हो रहा है। अरे यार गजब बॉल, ये बॉल बड़ा अच्छा था। कभी कभी गली क्रिकेट में भी इंटरनेशनल वाला फीलिंग आ जाता है। ये देखो चतुराई, देखो यहाँ पे वाइट का इशारा सही है। सब हम लोग मेंटेन रख चुके हैं, यहाँ पर गंदगी भी नहीं कर रहे, सब एकदम मेंटेन पे है, कहीं पर भी कुछ भी ड्रग्स वगैरह भी नहीं फैलाया, एकदम शांति प्रिय से खेला हो रहा है। इतना धूप भी है यार, ये पीए छे मारा, ये बंदा छे मारा। इंटरनेशनल पीरियड ये लोग सिर्फ स्ट्रगल नहीं करते, गली क्रिकेट वाले लोग भी स्ट्रगल करते हैं। टेम्परेचर 38 टेम्परेचर है, फिर भी इतना धूप में हम लोग खेल रहे हैं। सुबह का 11-12 बजे कड़ा धूप जिस टाइम में रहता है ग्राउंड में, फिर भी खेल रहे हम लोग। तो सिर्फ इंटरनेशनल पीरियड लोग ही स्ट्रगल वगैरह नहीं करता, गली क्रिकेट भी करते हैं, ठीक है, सभी करते हैं स्ट्रगल। और खेल में ऐसा नहीं लगता कि धूप, खेल में लगता बल्ले का गर्मी, खेल में दिखाओ बल्ले की गर्मी, धूप की नहीं। सेकेंड ओवर शुरू होने वाला है, ये सेकेंड ओवर में ये बॉलर आया है, अच्छा बॉलिंग कर रहा है अभी तक, तो ओह यार ये बॉलिंग अच्छा था। ये चतुराई देखो, ये बैट्समैन का चतुराई ये गली क्रिकेट में LPW है ही नहीं, रोक सकते था उसे, गार्ड वगैरह ले सकते। ये गजब का शॉट मारा यार, ये शॉट गजब का था, इसको स्लो मोशन में देखना होगा। यहाँ इन लोगों का पार्टनरशिप बहुत अच्छा हो रहा है, ये दो बैट्समैन जो उतरे हैं वो, हाँ ये पार्टनरशिप अच्छा हो रहा है यार। ये बॉलिंग जो था मतलब विकेट तोड़ने वाला बॉलिंग था यार, पार्टनरशिप करके तालमेल अच्छा रखे हैं और बैटिंग भी अच्छा ही कर रहे हैं। हमारा रन बोर्ड वहाँ पर रन कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे, ओ यार ये बॉल मिस करते हुए, यहाँ पे एक रन हो चुका है। ये लोग बड़ा फुर्ती से रन ले रहे हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा जो दौड़ के रन लेते हैं यही लोग रनिंग किए हैं, दौड़ के लेना है, वरना और अदर्स टीम में कोई भी ज़्यादा दौड़ा नहीं है, सब
ऐसे ही रन लिया है, मतलब बैट से ही मार के लिया। ये बंदा बॉल देखे, ये यार ये आउट है। हाँ दूसरा ओवर चल रहा है, यहाँ 23 रन हो चुका है, यहाँ तीसरा ओवर, दूसरा ओवर रनिंग चल रहा है। ओ यार ये छक्का बड़ा नंबर था, ये भी शॉट गजब का था यार, ये लोग पार्टनरशिप बड़ा अच्छा किया है। यहाँ पे बॉल आउट ऑफ ग्राउंड, पवेलियन बॉल को भेजा दिया गया यार, लास्ट बॉल में छक्का मार के पवेलियन, थोड़ा सा ब्रेक सही में। यहाँ पर फील्डर भाई कैसा फील हो रहा, अभी तक का स्टार बैट्समैन हो, ऑरेंज कैप सर पे, अभी तक इसके पास ऑरेंज कैप था, बट अभी हमारे टीम के प्लेयर के पास ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है, मतलब अगर फाइनल जीतते हैं तो सारा मेडल हम ही लोग लेके जाने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग के साथ फाइनल कौन खेलेगा। ये बड़ा क्या दिमाग से मारा, हाँ ये यहाँ पे कला का ही इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं क्लास, यहाँ क्लास यूज किया गया। और कौन सा टीम से खेल रहे हो? हम हमारा टीम हार चुका है, बाहर निकल गया, कैसा लग रहा अभी? अभी तो आप लोगों को देख कर फील हो रहा है कि आप लोग फाइनल गया हो, इसलिए हम लोग भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे जाने का फाइनल में। अच्छा हम लोग का टीम का खेला देख के कैसा लग रहा है, मतलब कैसा अच्छा खेल रहा है, क्या खराब खेला? आप लोग भी अच्छा खेला और दूसरे बार भी खेला होगा, अच्छे से होगा और भी बेटर से। क्या ये भाई बोल रहे कि आप लोग जितना खेल रहे उतना बेटर, उफ यार नो ये नहीं होता यार, ये ट्राई अच्छा था ब्रो। यहाँ पर भाई जो चैनल के लिए जो वीडियो बना रहे, ब्लॉग बना रहे भाई, ये बंदा सबसे ज़्यादा सुबह से मेहनत कर रहा, धूप में काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहा, बॉलिंग मेंटेन, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा, बाद बाकी सब कुछ अकेला ही मेंटेन कर रहा, ऊपर से खेल रहा भी है। भाई कैसा लग रहा है? मतलब क्या बोलूँ, अच्छा भी लग रहा है, तकलीफ भी हो रहा है, और बंदा सुबह से परेशान है एकदम, ना एक मिनट भी देख रहे नहीं भाई पानी पी रहा, ये कर रहा वो कर रहा नहीं, सुबह से देख रहे मेंटेन कर रहा, इसको वहाँ कर रहा, ये लाओ वो लाओ। भाई खेला चला के बड़ा अच्छा लगा, खेला अब अच्छा चला है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप लोग को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले, अभी तो कोई सपोर्ट है नहीं, खुद का दम पे चला है, छोटा मोटा खेला पर अच्छा चला है। थैंक यू, और आप भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा, आप लोग भी इतना टाइम दे रहे हैं, इसे भाई बहुत ही हेल्प कर रहे हैं फिलहाल मेरा। ये शॉट खेला है हम लोग का, खेला ऐसे लग रहा है हम लोग बॉर्डर में, यहाँ से बम गोली चल रहा है, बैट्समैन टावर तोड़ मार रहा है भाई, बैट्समैन टावर तोड़ मार रहा है, सुपर कमेंट्री भाई का, ताली एक ताली, बस बस भाई बस चलाते रहिए, ठीक है मैं थोड़ा फ्री माइंड हो जाऊँ। ये बंदा फ्री नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, अरे नहीं यार नो बॉल, यहाँ अंपायर का कॉलिंग सही था, एकदम परफेक्ट कॉलिंग भाई, ये इसको इंटरनेशनली एम्पायर खेलना चाहिए भाई, एकदम कॉलिंग चटाक दे लेता है, ये लेग भाई है, लेग भाई है, ये लेग भाई है। और ग्राउंड काफ़ी छोटा है ये ग्राउंड, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे हमारे, रन ये पार्टनर से बड़ा अच्छा, ये चतुराई से रन चोरी कर लिया गया, ये फील्डर के नाक के नीचे से ये रन चोरी हो गया। तो यार वाइट बॉल, अंपायर कॉलिंग वाइट बॉल, यार ये चौवा बहुत गजब मारा, ये बैट्समैन कुछ तो खेल रहा भाई, ये बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा, यहाँ जो ये बैट्समैन है अच्छा खेल रहा, अच्छा बैटिंग किया, ये ओवर का लास्ट बॉल है और यहाँ पे रन भी हो चुका है अच्छा खासा, टारगेट बिल्ड कर चुके हैं ये लोग, अच्छा रन बिल्ड किया यहाँ पर, सही दो प्लेयर भाई, ये लोग भी काफ़ी शानदार खेल रहे हैं। और भाई कैसा लग रहा खेल के? बहुत अच्छा, बहुत गर्मी है भाई, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर भी तो बहुत है, 38 डिग्री, क्या लग रहा है मैच जीतोगे कि नहीं? इंशाल्लाह आगे देखिए जो भी होगा तो देखा जाएगा, मतलब जीत के फाइनल खेलना है हम लोग के साथ। हाँ चलो ठीक है भाई, ये लोग भी फुल उम्मीद में है, अरे हमारे टीम वहाँ पर सब के सब एकदम, सब हम लोग के प्लेयर एकदम रेस्ट में है, कोई भी धूप में खड़ा नहीं है, सब एकदम वो लोग अपना बात बताते, लोग खेलों से मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर ऑल टीम, ये दो टीम लड़ रहे हैं एक बॉल के लिए कि एक बॉल ज़्यादा है कम है, अंपायर बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और हमारे टीम बिल्कुल शांत से बैठ के भाई, कोई चिल्लाने नहीं, बस ख़त्म।
यहाँ पे ये बंदा अपना वीडियो के लिए या फिर कुछ भी ये जो खेला चलाया दिल से सपोर्ट है भाई को, बंदा अकेला सब कुछ कर रहा है, इतना कुछ भी झमेला हो ये हो पूरा मेंटेन अकेला किया है, इसके लिए भाई दिल से इसको सलाम है। भाई प्रॉब्लम है तो वीडियो में देख ले, चले यहाँ पर झमेला सॉल्व करते हुए बंदे का क्रेज बहुत है भाई, जो भी चीज़ कर रहा है ना बड़ा दिल से कर रहा है, ये पूरा चीज़ को मेंटेन कर रहा है, देखो यहीं पर ये पोजीशन देख लो कैसे इसने मेंटेन किया, दो गर्म टीम को धूप में जाके बंदा बड़ा मेंटेन कर रहा है, बंदा देखो इसका स्टाइल देखो सब कुछ, मतलब अकेला बॉल वॉल जहाँ से अभी लाना उदाना सब कुछ अकेला ही कर रहा है ये बंदा, बंदा का स्माइल देखो, बंदा का यही ये लोग का ना थकावट दिखाते नहीं है ये लोग, यार गजब, ये लोग MRF टायर है, जितना चलेंगे उतना अच्छा है, घिसेंगे नहीं। यहाँ पे ये फर्स्ट इनिंग ख़त्म होते हुए और ये लोग वापस ग्राउंड के बाहर आते हुए, और ये लोग भी अच्छा पार्टनरशिप किए अंपायर से, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। तो अंपायर ऐसा अंपायरिंग कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हमारे सही है, तो फिर मिलेगा अंपायर के वजह से, और इसकी अंपायर तो आप गुड खेला है एकदम करेंट, एकदम नो बॉल वाइट बॉल इतना फास्ट, धोनी का स्टम्प से भी फास्ट आप पकड़ रहे हैं, मेन बात ये धोनी और ये एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, और एक प्लेयर जो है हमारे पास वो धोनी के साथ खेला भी है। टारगेट कितना हुआ ये फर्स्ट इनिंग का? हम लोग का स्कोर हुआ है 49 टारगेट है, तो फिलहाल हम लोग को स्ट्रॉन्ग फील्डिंग देना है, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग टीम है। तो भाई आपका कैप्टन है तो आप कैसे मतलब ये लोग गाइड कर रहे हैं, कैप्टन है तो खेला का स्पॉन्सर है चेयरमैन है सब कुछ है आप ही है भाई? नहीं नहीं मैं बस हूं आप लोग का भाई, तो फिलहाल मैं जस्ट मैं किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मेरे टीम के ऊपर, बस अपने तरह से जैसा हो सके खेलो एंजॉय करो और कोशिश करो जीतने का, बस कोशिश, कोई सीरियस नहीं है जितना ही एकदम। अब हम लोग आपका बैटिंग देख चुके हैं भाई, अब हम लोग फील्डिंग देखना चाहते हैं आप लोग का, टीम यहाँ पर बैठ के एकदम सपोर्ट। भाई मुकेश भाई कैसा लग रहा फाइनल में? बंदे लोग इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं हम लोग बिना कप लेके ही जाएंगे बिना खेले, छुड़ा रहे इसी सबसे खामोश जो धोनी के जैसा बंदा है सार का, जो ये बंदा धोनी को क्लास यही दिया है। बोलिए आप लोग मत समझिए वो इंडियन टीम का धोनी, वो पाड़ा का एक धोनी है, धोनी है पाड़ा, कैप भी वैसे ही पहन के भाई, हाँ चूर बोल सब वही दाढ़ी वगैरह, हाँ धोनी है। और मैच यहाँ चालू का यहाँ फर्स्ट बॉल स्टार्टिंग होने वाला है, यहाँ भाई सब फील्डिंग में मेरे ही पास आ चुके हैं फील्डिंग में सेट, यहाँ फर्स्ट बॉल ये पहला बॉल पहला छक्का, यार इतना ब्यूटीफुल मतलब पहाड़ पवेलियन का बाहर पहला बॉल में पहला छक्का, बंदा का खेला ये बंदा में कुछ बात है भाई, क्लास है इसमें। ओहो भाई ये डबल बैट में लग गया यार, ये बॉल बैट ही में नच गया, ये बॉल बड़ा अच्छा स्विंग किया है ये बंदा, यहाँ पे डॉट बॉल और यार ये बंदा ये बैट जो किया ना इसको रिव्यू करके देखना होगा, जो क्लास लिया ये बॉल का, यहाँ बॉलर थोड़ा मायूस होते हुए यहाँ दो छक्का इसको पड़ चुका है लेग साइड में, ये थोड़ा मायूस अपना यार रिएक्शन, बंदा ऑलराउंडर है सब कुछ यही खेला है, अगर मैच जीतता तो मैं मैन ऑफ द मैच यही बंदा होता, यहाँ कैप्टन भी एकदम फुल सीरियस में अपना कैप्टन बड़ा मायूस पे है। कैप्टन यहाँ समझा रहे बॉलर को कि ये क्या हो रहा है, तुम डिस्कस कर रहे कैप्टन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैप्टन बड़ा बॉलर को समझा रहे बड़ा समझा रहे, लगता है बंदा ये सेकंड बॉल में विकेट ले लेना उसके बाद इसको विकेट ले लेना, बॉलर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कैप्टन से बात करने के बाद, कैप्टन इसका बड़ा जबरदस्त है यार, कूल कैप्टन जो है ना यही है बंदा, यहाँ बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हुए, हाँ बॉलर को थोड़ा बहुत कैप्टन से कॉन्फिडेंस मिला और ये गजब का बॉल है, ये होता है कैप्टन, ये कैप्टन जो है ना मतलब अपने बॉलर को समझा के उसके बाद बॉलिंग करवा रहे, देखो बॉल लास्ट बॉल इसके ओवर की,
ओहो ये गजब है, ये यहाँ आउट भी, यहाँ स्टम्प रन आउट भी, ये होता है कैप्टन, कैप्टन का एक डिस्कस के वजह से यहाँ गेम चेंज, ये बैट्समैन का रन, ये बैट्समैन का रिएक्शन। नाइस प्ले भाई, वेल प्ले, यहाँ कैप्टन कूल है भाई, ये बंदा कैप्टन कूल है। थोड़ा बहुत समझाने के बाद भी देखो बॉलर में कितना सारे चेंजिंग आ गया, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा ऑलराउंडर है, रियल लाइफ में भी ये बंदा ऑलराउंडर है यार। यहाँ एकदम टीम को मेंटेनिंग लेते हुए हर प्लेयर को समझाते हुए कि भाई ये कर वो कर, ये बंदा थोड़ा अच्छा खेल रहा है सबसे ज़्यादा। भाई कोई जादू मंत्र फूकेगा, बॉलर छक्का खा रहा था, समझाए विकेट ले लिया, अच्छा बॉलिंग, इनकरेज करने का कोशिश कर रहा हूँ, काफी एनर्जी रहना चाहिए, काफी धूप हो गया ना इसलिए एनर्जी लेस हो गया। देन कैप्टन से ओ यार ये बॉलिंग बड़ा गजब था, यहाँ कीपर बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, ये अरे गजब, ये हाँ बंदा गजब कर रहा है, ये फील्डिंग, ये जो बॉल थोड़ा बचाए ना, ये बड़ा अच्छा था। यहाँ पूरा टीम को मेंटेन करते हुए बॉलर, ये बड़ा गजब, ये भाई भाग दौड़ कर रहे काफी। यहाँ पे यार ये बॉलर को अच्छा बॉलिंग कर रहा है, ये अभी तक एक भी बस एक चौका खाया, उसके बाद से लेंथ पे बॉल डाल रहा है, इसका लेंथ लाइन सब अच्छा है, ये देखो खत्म होते हुए। यहाँ कैप्टन अपने टीम के साथ थोड़ा बहुत रखते हुए समझाते हुए कि भाई ये कर वो कर, हाँ टूर्नामेंट का कैप्टन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट ये वाला का, ये बंदा है, अपने हर प्लेयर को समझा रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं फिजिकली मेंटली सब एकदम सही से रखते हैं। यहाँ पे वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ हमारे टीम के कैप्टन जो है वो एम्पायरिंग कर रहे हैं। बड़ा धूप है यार, बंदा लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कीपर का वाइट बॉल, यहाँ बंदा इतना धूप है कि किसी में जोश नहीं है, बस कैप्टन को छोड़ के इसके टीम में कैप्टन ही का जोश है, वादे के सब। और ये यार ये बल्ला कैच है, नहीं यार ये कैच नहीं है, और इनके जो ओपनर बैट्समैन है ये बंदा बड़ा गुस्से वाला है यार, ये इसको देख लो, इसका रिएक्शन आपको दिखाना है, मतलब जो वीडियो में ये बैट कैच दिख देता है ना, इसका रिएक्शन बड़ा कमाल का है, ये बंदा बहुत गुस्सा लगा है, बांग्लादेश का मुस्तफिजुल रहमान है। यहाँ पे सिर्फ 18 रन बाकी है, आई थिंक ये लास्ट दो ओवर में 18 रन बाकी है, ये रन काफ़ी कम है, दो बॉल में 2 रन बाकी है, सब में टेंशन का माहौल, सब फील्डर को सर्कल के अंदर बुला लिया गया कि ये लोग रन ना ले। अब यहाँ पे बॉलर स्टार्टेड, ये पे एक रन कवर होते हुए लास्ट बॉल पे लास्ट रन, यहाँ पे मैच ड्रॉ लग रहा है, यहाँ पे सुपर ओवर हो सकता है, चांसेस है भाई, चांसेस है बहुत, 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। यार मैच को इस तरह नहीं लेके जाना चाहिए था, उसको बीच में खत्म कर देना है, सुपर ओवर के लिए रेडी है। यहाँ पे सुपर ओवर हो सकता है, चांसेस है, सब पब्लिक वगैरह इंटरेस्टिंग दिखाते हुए सब खड़े हो गए, फुल्ली साइलेंट, एक बॉल पे एक रन, यहाँ पे ये खुशी का माहौल, ये खुशी का माहौल। यहाँ पे हम लोग का मैच स्टार्ट एक मिनट, तो हम लोग भाई जल्दी स्टार्ट करेंगे मैच को, इतना लास्ट तक लेके गए, एक लास्ट बॉल तक लेके गए, एकदम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब मज़ेदार खेला था, ठीक है, एकदम लास्ट बॉल तक जो खेला हुआ अभी तक का आप ही लोग का मैच में हुआ, तो उसके बाद भी हार गए, कैसे लग रहा? ओ मैच में तो हार जीत रहता है, बोले कोई टेंशन नहीं है, सब अपना अपना पूरा टोटल 100% एफर्ट दिए हैं, अच्छा लगा, बॉलर भी मेरा काफ़ी अच्छा बॉलर था, बॉलर अपने टीम को लेके आते हुए, सब ये लोग अपना एकजुट टीम आते हुए, सो काफ़ी अपने तरफ से 100% एफर्ट दिया है, तो इसके लिए कोई बात ही नहीं है, चलो ठीक है, खेला में मैच में हार जीत रहता है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से और होगा, ठीक है, जीत गया।
यहाँ ये बंदा ये सीन कट जाए। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। मैच में हार जीत तो रहता ही है, अब हार गया थोड़ा तो मूड खराब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अपना एफोर्ट दिया है, 100% एफोर्ट दिया है, तो थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था अंपायर का डिसीजन लेके, लेकिन मैच को कंप्लीट करना है, अभी फाइनल मैच होने जा रहा है, तो आप लोग एकदम कहीं नहीं जाएगा, आप लोग देखते रहिए फाइनल मैच आराम से SPL सोम प्रीमियर लीग सोम 007 ब्लॉक्स के साथ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं।